दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही खूबसूरत प्लान के, और वो भी दो भाइयों के लिए। अगर आपके दो भाई हैं या आपके बेटे दो भाई हैं और वो ऐसा घर चाहते हैं जो बाहर से बिल्कुल सिमिलर लगे, और भविष्य में कभी भी जब बंटवारा हो तो वो सिमिलर चीज़ें, मतलब कि कहीं भी ब्रेक करने की आवश्यकता ना हो, मकान तोड़ने की आवश्यकता ना हो, उनका एक ही सेकेंड में मकान सेपरेट हो जाए, दोनों फैमिली अलग अलग रहने लगे। तो इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए आज के मॉडल को क्रिएट किया है। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। अगर आप दो भाई हैं तो आपको इस मॉडल को सिलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे इक्वल एक एक इंच का मैंने हिसाब रखा है। क्योंकि आपको पता है आजकल भाइयों में हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी साथ रह रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी भविष्य में अलग होना ही पड़ता है, क्योंकि जब फैमिली बड़ी होती है तो परिवार में बंटवारे होते हैं। तो परिवार में बंटवारे को लेकर घर में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। घर को बंटवारे दो भागों में कैसे डिवाइड किया जाए, अगर ये सोच समझ के नहीं बनाया जाता है तो भविष्य में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए आज के मॉडल को क्रिएट किया है, जिसका साइज है 40x40 40x40 का पूरा मॉडल है। अगर आप भी दो भाई हैं तो इस मॉडल को जरूर सिलेक्ट करिएगा। साथ अगर कभी भविष्य में बंटवारा होगा तो 20x40 का आपका ही पोर्शन हो जाएगा, और 20x40 के दूसरे भाई का आपके पोर्शन हो जाएगा। लेकिन फ्रंट से आपके घर को ये कोई नहीं साबित कर पाएगा कि आपके घर का बंटवारा हो चुका है, क्योंकि घर का जो डिजाइन होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। अगर कोई बाहर से देखेगा अनजान व्यक्ति तो यही बताएगा कि बिल्कुल एक ही मकान है, कोई एक व्यक्ति ही रहता है, या अगर भाई भी दो रहते हैं तो बहुत ही सामंजस्य रहते हैं। तो आज को जो प्लान जो मेरा है बहुत ही खास होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो दो भाई हैं। अगर आप भी दो भाई हैं तो पहले हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके मॉडल पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस मॉडल प्लान को तो जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लगातार अपडेट वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो दोस्तों देख सकते हैं, मॉडल बहुत ही खूबसूरत, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, ये पूरा मॉडल है, फ्रंट एलिवेशन आपका ये। हालांकि ये मैंने एक खेत में मकान को डिजाइन किया, मतलब जहां पर चारों तरफ जगह है इसलिए मैंने चारों तरफ विंडो दे रखी है। विंडो का डिजाइन आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये साइड में, और पीछे भी तीन विंडो मैंने दिया है, क्योंकि पीछे भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा मॉडल, तब आपको समझ में आएगा विंडो कहाँ कहाँ पर आपको लगेगी। तो चारों तरफ से ये मकान ओपन है। ऊपर आप जो देख रहे हैं ना, ये दो गुमटी है, क्योंकि दो मैंने जीने क्रिएट किए हैं, हालांकि एक नहीं क्रिएट किया है, क्योंकि मकान को सेपरेट करना है मुझे भविष्य में, तो अलग अलग आपका जीना भी होगा, कोई भी झंझट वाली बात नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रंट से भी अगर आप देख रहे होंगे तो जो आपको बीच में पिलर दिख रहा होगा, आसानी सी बात है, यहीं से आप सेपरेट कर पाएंगे। ये जो पिलर है ये कॉमन रहेगा, और इसके बाद दोनों तरफ से देखिएगा अलग अलग गेस्ट रूम है, अलग अलग डोर भी मैंने अलग अलग ही अब किस बात दी है। हालांकि मैंने काफी मॉडल क्रिएट किए हैं दो भाइयों के लिए, बट उसमें डोर मैं सिंगल रखता था, बट आपकी मैंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, सारी चीजें ए टू जेड आपकी अलग अलग रहने वाली है। तो ये पूरा मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे 40x40 में। पहले जूम करके दिखाता हूं मैं, जिससे कि रियलिस्टिक व्यू आप इसका समझ सकें, प्रॉपर चीजें आप बहुत ही ध्यान से एनालाइज कर सकें, क्या यहाँ पर बना है आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत प्लान होने वाला है 40x40 दो भाइयों के लिए। बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, मैं आपको लेकर आया हूँ ग्राउंड फ्लोर पर। सबसे पहले मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखाता हूँ, इससे इसकी रियलिस्टिक चीजें आपको पता चल जाएंगी, सारी चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। अगर आंगन की बात करें ना, आंगन बहुत ही बड़ा है, बिल्कुल परेशान ना होइए, दोनों लोगों के लिए काफी बड़ा आंगन है। अगर आपके बच्चे भी होता है ना, बहुत ही आसानी से एक छोटा सा प्ले ग्राउंड मैंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि मैंने और भी ज्यादा बहुत ही चीजों को ध्यान में रखकर बनाई है, जिससे ज्यादा चीजें कंजेस्टेड ना हो। तो इस मॉडल को आप देख पा रहे हो कितना खूबसूरत है, और मैंने मेरी बैटरी खत्म हो गई तो मैं जो मेरा साइड में वीडियो चलता रहता है वो शायद आपको ना दिख रहा हो, तो परेशान ना होइएगा। तो ये आप देख सकते हैं मॉडल कितना खूबसूरत होने वाला है। ये बीच में पिलर है, यहीं से डिवाइडेशन होगा, जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे स्टेयर्स स्लोप दोनों के लिए मैंने दिए, साइड में स्टेयर्स, बीच में स्लोप, बाइक वगैरह अगर चढ़ा सकते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति है आपके घर में तो स्टेयर्स के माध्यम से चल सकता है। ये विंडो का डिजाइन है, दोनों तरफ देख सकते हैं फ्रेम, और उसमें कलर कॉम्बिनेशन इसका, जैसे आप जाते हो तो आपको एक बारंदा मिलता है कॉमन। और पहले मैं लेफ्ट हैंड की बात करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर देखिए गेस्ट रूम बना हुआ है, ये है ना, ये गेस्ट रूम है। इस गेस्ट रूम में दोनों तरफ से विंडो है, कॉर्नर से और फ्रंट से भी, और दो डोर है, एक तो बाहर से डोर है जिससे आप एंट्री कर पाएंगे, और अंदर रूम में पहुंचने के बाद आप आंगन में भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर राइट हैंड साइड में गेस्ट रूम बना हुआ है। यहाँ अगर आगे आगे आप जाते हैं ना, तो आंगन में जाने के लिए दो डोर है, बीच में विंडो दी है, और दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड अलग अलग यहाँ ब्लैक कलर के डोर दिए हैं, तो आप एंट्री कर पाएंगे। इसके बाद जैसे आप अंदर पहुंचते हैं तो बड़े से आंगन में आप पहुंच जाते हैं, जो कि आपको एक प्ले ग्राउंड टाइप का छोटा सा मिलेगा। इसके बाद में बात करें, इस ये बेडरूम मैंने बनाया है एक कॉर्नर पर लेफ्ट हैंड पे, और इधर आपकी स्टेयर से ऐसे टर्न होंगे और आप आएंगे नीचे, उसी के नीचे बड़ा सा लेट बाथ। आप केवल मैंने स्टेयर को यहाँ कवर नहीं किया है कि
लेट बात बनाने के लिए छोटा सा लेट, मैंने और भी जगह कवर की है तो काफी बड़ा लेट बात है, परेशान ना होइएगा। और ये आपका एक और बेडरूम, तो दो बेडरूम 20x40 में और दो बेडरूम मिल जाते हैं, लेट बात किचन, और ये आपका एक किचन सेपरेट है। अगर आपका व्यवस्था बंटवारा करना चाहते हैं तो ये वाला जो वॉल दिख रहा है ना, ये वॉल आपको सीधा यहाँ पर पिलर पर आकर मिल जाएगा, तो आपके अलग अलग पोर्शन सेपरेट हो जाएंगे। मैं बात करें इधर की राइट हैंड पे, तो यहाँ पर भी कॉर्नर पे एक बेडरूम, ये आपका बड़ा सा किचन, और इधर स्टेयर्स और एक गेस्ट रूम आप देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं इस विंडो के पीछे की। देखिए विंडो मैंने ऐसा क्रिएट किया है ना कि भविष्य में आप इसे सेपरेट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको अलग अलग मैंने किसी के लिए डोर दिए हैं, अलग अलग मतलब वो सारी चीजें अलग हैं, आपका किचन भी अलग है, लेट बाथ भी अलग है, स्टेयर्स भी अलग है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको लगे कि सेपरेट करना हो तो प्रॉब्लम्स हो। तो बहुत ही खूबसूरत प्लान, जैसे कि आपने देखा मैंने आगे कुछ थोड़ी सी डिजाइनिंग के पर्पज से पेड़ पौधे लगा रखे, छोटे से प्लांट वगैरह, जिसमें घर आपका और खूबसूरत लगता है। आपको पता है प्लांटेशन से घर कितने अच्छे लगते हैं। तो ये पूरा मॉडल 40x40 1600 स्क्वायर फुट में दो भाइयों के लिए बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर। बात करते हैं लास्ट फ्लोर, तो जैसे कि मैं ऑलरेडी लास्ट फ्लोर आपको दिखा चुका हूँ, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, जो स्टेयर्स थी, जो जीना था उसको ढकने के लिए गुमटी, और वहां पर मैंने एक विंडो बड़ा सा दे दिया है गुमटी पे, जिससे वेंटिलेशन ऊपर से भी आपका होता है। और बात आती है जाल रखवाने की, अगर आप पीछे के वेंटिलेशन चाहते हैं कि आपके घर में साइड में जगह नहीं है, जो कि मैंने विंडो हालांकि दे रखी है वेंटिलेशन के लिए चारों तरफ, तो आपको जाल रखवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे, शायद उनके पास साइड में जगह ना हो लेकिन उनको मकाने पसंद आ रहा हो, तो बीच में आंगन में आप बहुत ही आसानी से बड़ा सा जाल रखवाइएगा, जिससे घर का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। ये देख सकते हैं ग्रिल का डिजाइन, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। कुछ मैंने डिजाइनिंग के ऊपर चीजें क्रिएट कर दी है, आप देखिए टॉप भी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, साइड से दिखा देता हूँ गुमटी वगैरह कैसी बनी हुई है। तो मॉडल 40x40 में टू ब्रदर्स के लिए बना हुआ है, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मॉडल कुछ खास था इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें, हमें मोटिवेट किया करें, हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे मॉडल क्रिएट करने के लिए। फ्रंट के एलिवेशन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत आप सभी लोगों ने देखा, और भी चीज़ें जो थी वो आप हमें रिकमेंडेशन में बता सकते हैं, अगर कुछ अपडेट करने लायक होगा तो अपडेट जरूर करूँगा अगले वीडियोज़ में या जो भी हमारे नेक्स्ट मॉडल आएंगे। और मैं पेड सर्विस भी इस्तेमाल करता हूँ, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताता रहता हूँ, अगर आप किसी प्रकार घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट करिएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि आपको हमारी जो भी सर्विस है उसके लिए पे करना होगा 50% पहले 50% बाद में। और एक आप लोगों से मैं सजेशन चाहता हूँ, मैं एक वेबसाइट शुरू करना चाहता हूँ, हालांकि मेरे पास पहले से डोमेन है smarthouseplan.com की, और मैंने पहले कुछ रन भी किया वेबसाइट, बस किसी कारणों के बस मैं वेबसाइट फिर बंद करनी पड़ी थी मुझे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वेबसाइट लाऊं, वेबसाइट पर मैं क्या लाऊंगा दोस्तों, जो मॉडल में है बताता हूं, वहां पर आपका PDF फॉर्मेट 2D मॉडल्स आपको वहां पर मिल जाया करेंगे बहुत ही सस्ते दामों पर। तो चलो अगर आप ऐसा चाहते हो हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो एंड करेंगे। थैंक्स वॉचिंग।